हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूजी की वीएफडी में मल्टी स्पीड वायरिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आपने वो फ्यूजी की ड्राइव में बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और उसका कंट्रोलर में वायरिंग कैसे करते हैं, मेरा प्रैक्टिकल वीएफडी के साथ वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी देख लिया बिना ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पैरामीटर नंबर E01 वीएफडी में आता है वो क्या इंडिकेट करता है कि टर्मिनल एक्स कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम में पहले वो डिसाइड करेगा, ठीक है। सिमिलरली E02 हमारा पैरामीटर वो टर्मिनल X2 कौन से फंक्शन के लिए प्रोग्राम में वो डिसाइड करेगा। सिमिलरली E03 हमारा X3 और E04 वो X4 के लिए, E05 वो X5 के लिए, ठीक है। तो उसमें डिफॉल्ट जो सेट आता है वो इस तरह से होता है कि X1 के लिए 0 आता है, मतलब क्या है कि वो मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम होता है। सिमिलरली X2 हमारा जो टर्मिनल होता है वो भी मल्टी स्पीड SS2 के लिए प्रोग्राम होगा, ठीक है। सिमिलरली X3 भी 2 मतलब SS4 मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम होगा। जो E04 X4 हमारा टर्मिनल है वो डिफॉल्ट 7, 7 का मीनिंग क्या है, कॉस्ट टू स्टॉप के लिए प्रोग्राम होगा। तो हमें मल्टी स्पीड प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा X1 टर्मिनल है, X2 है, X3, X4, हमें ये चार टर्मिनल को मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम करेंगे। X1 हमारा, X2, X3 वो तीन तो सेट आते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमें सिर्फ X4 को मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम करना है तो उसमें सिर्फ 3 करना होगा, बाकी तो ऑलरेडी सेट है तो इसलिए हमें उसको सेट नहीं करना पड़ा। अगर आपने कोई दूसरे इसमें पैरामीटर डाले हुए, कोई चेंजेस किया तो पहले आप उसको एक बार ये सेट कर दे, ठीक है। और E05 को हमने सेट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें चार ही मल्टी स्पीड आती है, उसके लिए हमें चार टर्मिनल X1, X2, X3, X4 को ही मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम किया है, ठीक है। और बाद में क्या है कि उसमें हमें स्पीड भी डालनी होगी कि जब ये SS1 ये दोनों के बीच में लगी उस स्विच को हम ऑन करें तो कितनी स्पीड आनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये X1 टर्मिनल के स्पीड कैसे डालते हैं, X2 के लिए स्पीड कैसे डालते हैं, X3 के लिए और X4 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि हमें ये स्पीड कितनी डालनी है वो ये डिसाइड करेंगे पैरामीटर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हमारे जब भी ये चारों की चारों स्विच यहाँ पर देखिए ऑफ 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 ऑफ, जब भी ये चारों के चार स्विच है वो ऑफ होगी तो यहाँ पर कितनी स्पीड आएगी वो यहाँ पर देखिए लिखा है अदर देन मल्टी फ्रिक्वेंसी, मतलब क्या है कि जब भी हमारे चारों की चार स्विच है वो ऑफ होगी तो हमने जो पैरामीटर मैंने जो आपको अगले वीडियो में बताया था, जो F01 मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी कमांड, जो आपने ये पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी डाली होगी, कीपैड डाला होगा तो आपको कीपैड की अप डाउन जो बटन है उससे होगी, 1 डाला होगा तो एक्सटर्नल को ऐसा पोटेंशियोमीटर लगा है उससे होगी, और 4 डाला होगा तो आपका जो कीपैड पर पोटेंशियोमीटर है उससे होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी ये चारों के चारों स्विच ऑफ होगी तो आप ये पैरामीटर में क्या डाला है उस पर आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये जब भी हम ये अकेली स्विच SS1 को ऑन करेंगे ये सभी ऑफ रखेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों स्विच। सिर्फ ये SS1 को ऑन करेंगे तो हमने जो C05 पैरामीटर में कितनी फ्रीक्वेंसी डाली वो फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्प्ले पर आएगी। इसके साथ ही आपको फॉरवर्ड या रिवर्स का कमांड तो देना ही पड़ेगा तभी हमारी मोटर घूमेगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए C06 वो फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब भी हमारी SS1 जो स्विच है वो ऑफ होगी, ठीक है, जब भी SS2 वाली स्विच ओनली ऑन होगी, SS4 भी ऑफ हो रहेगी और SS8 भी ऑफ रहेगी। मतलब क्या है कि जब भी हमारी ओनली SS2 जो स्विच है वो ऑन होगी तो हमने जो C06 पैरामीटर में जो भी फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए C07 वो कब आएगी, जब भी SS1 ऑन होगी और SS2 ऑन होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों स्विच ऑन होगी, जब भी एक साथ ये भी ऑन होगी और ये भी ऑन होगी, हमने जो C07 पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर C08 ये फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब भी ये स्विच तो SS1 ऑफ होगी, SS2 ऑफ होगी, SS4 ऑन होगी और SS8 भी ऑफ होगी। मतलब क्या है कि जब भी अकेली SS4 वो ऑन होगी तो हमने जो C08 पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर C09 में यहाँ पर आपको टेबल के साथ ही आगे बढ़ना है, ठीक है। टेबल में क्लियर लिखा है कि SS1 ओनली ऑन, SS4 ऑन, जब भी ये दोनों एक साथ ऑन होगी तो हमने C09 में जो फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर C
टेन इसमें SS2 और SS4, जब ये दोनों एक साथ ऑन होगी तो C10 में जो फ्रीक्वेंसी आपने डाली वो आपकी ड्राइव की डिस्प्ले पर आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली जब भी हमारी SS1, SS2 और SS4, जब ये तीनों स्विच एक साथ ऑन होगी तो हमने जो C11 नंबर के पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी। ठीक है, जब भी अकेली ये SS8 ऑन होगी तो हमने C12 में कौन कितनी फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और जब भी हमारे चारों के चारों स्विच एक साथ हम ऑन कर देंगे तो उसमें C19 में हमने कितनी फ्रीक्वेंसी डाली वो आएगी। ठीक है, और ये सभी फ्रीक्वेंसी आप जब भी ऑन करें उसके साथ आपको आपकी ड्राइव को कमांड तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड या रिवर्स का जो भी आप कमांड देते तो वो देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई मल्टी स्टेप स्पीड प्रोग्रामिंग हमारी फ्यूजी की ड्राइव में। अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और आपको अगर जानना है कि नई नई VFD में पैरामीटर कैसे डालते हैं और उसका कंट्रोलर में वायरिंग कैसे करते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उस VFD पर एक वीडियो बनाने का। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड